हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी आज के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। आज के ऑनलाइन सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ स्पर्म। स्पर्म के संरचना को, स्ट्रक्चर को हम लोग आज के जो है ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक है यह 12th के सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो है एग्जाम में ये संरचना ही पूछने, लेबल्ड डायग्राम जो है, नामांकित चित्र जिसको कहते हैं, लेबल डायग्राम पूछा जाता है। लेबल डायग्राम जो है आपसे पूछा जाएगा, तो आप प्रॉपरली लेबल करके डायग्राम अगर ड्रॉ कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स 3 नंबर के मिल जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, बाकी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है। इसके वेरियस पार्ट, अलग अलग पार्ट से सवाल आते ही रहते हैं, तो इनको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन मेन हमारा जो है इसमें जो है देखेंगे कि डायग्राम ही बोर्ड में पूछा जाता है। स्पर्म जो होता है यह, इसको स्पर्मेटोजोवा भी कहते हैं। स्पर्मेटोजोवा का फॉर्मेशन जो है स्पर्मेटोगोनियल सेल से होता है। स्पर्मेटोगोनियल सेल डिप्लॉइड होती है, जो कि कहाँ पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और वहां पे इसका जो है फॉर्मेशन होता है, जो डिप्लॉइड होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड बनते हैं, जो कि नॉन मोटाइल स्पर्म होता है। नॉन मोटाइल स्पर्म के अंदर जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस होता है, मतलब प्रोसेस ऑफ टेल फॉर्मेशन इन द स्पर्म, या उसको स्पर्म टेलियोसिस कहते हैं, जिसके कारण एक मोटाइल स्पर्म, इलांगेटेड स्पर्म का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो इलांगेटेड स्पर्म है इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्म के पास एक उसका हेड होता है, हेड रीजन होता है, एक उसका नेक रीजन होता है, एक उसका मिडिल पीस होता है, और लास्ट में उसका टेल रीजन होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, जो हेड रीजन है, हेड रीजन के सबसे अपर पार्ट को गैलिया कैपेटिस कहते हैं, या कैपेटिस कहते हैं। गैलिया कैपेटिस जो होता है वह जो है बेसिकली एक्रोजोमल कैप भी उसको कहा जाता है। तो हेड इज कवर्ड बाय एक्रोजोमल कैप, दैट इज ऑल्सो नोन एज गैलिया कैपेटिस, विच इज जो है फिल्ड विथ, विच रिमेन फिल्ड विथ एक्रोजोमल फ्लूड कंटेनिंग एंजाइम, एंजाइम नेम इज स्पर्म लाइसिन और हाइलो हाइलाल्यूरोनिडेज, हाइलुरोनिक एसिड से बना को जो है एंजाइम को, मतलब कि डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो यहाँ पे स्पर्म लाइसिन है, और ये दो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। यह एक्रोजोमल फ्लूड के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूड है उसमें ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। और जब इसका कैपेसिटेशन हो जाता है तो एंजाइम फ्लूड जो है ओपन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, जो कि क्या करता है, पेनेट्रेशन में स्पर्म की मदद करता है, स्पर्म ताकि पेनेट्रेट कर पाए। ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि पूरा स्पर्म आफ्टर पेनेट्रेशन एंटर करता है, होल स्पर्म एंटर इनटू द ओबम, मतलब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर पूरा स्पर्म एंटर करता है। बाद में इसका न्यूक्लियस यूज होता है, न्यूक्लियस को और कुछ अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ही केवल यूज होता है, रेस्ट पार्ट जो है वो फाइगोसाइटोस कर दिया जाता है, मतलब फाइगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, यूज कर लिया जाता है और क्लियर आउट कर दिया जाता है। तो एंट्री पूरे स्पर्म की होती है, लेकिन यूज केवल न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म का ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हेड रीजन इज कवर्ड बाय द क्रोमोसोमल कैप, व्हिच इज नोन एज गैलिया कैप जो है कैपेटिस, कंटेनिंग एक्रोजोमल फ्लूड जो है विथ एंजाइम स्पर्म लाइसिन, मेनली जो एंजाइम होता है उसको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा एक्रोजोम हो गया, और इसके साथ इसमें परफोरेशंस होते हैं, परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं, फिर बाद में इसके हेड रीजन आ जाता है। हेड रीजन के अंदर क्या होता है कि जो है साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज मतलब वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन द हेड रीजन। ऐसा इसलिए होता है स्पर्म में कि ताकि स्पर्म ज्यादा अच्छे से मोटिलिटी प्रोवाइड कर सके। अगर हेड रीजन ज्यादा जो है हैवी होगा, वेट होगा, ज्यादा साइटोप्लाज्म कंटेनिंग होगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा, इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल ज्यादा फास्टली मूव नहीं कर पाएगा।
तो स्पर्म को मूव करने के लिए साइटोप्लाज्म इसमें कम होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, प्लस इसके साथ जो प्रोटीन होती है दैट इज नॉट हिस्टोन प्रोटीन, इट इज प्रोटामिन होता है, बेसिक अमीनो एसिड का बना ही होता है लेकिन ये प्रोटामिन होता है हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे। तो कंडेंस्ड डीएनए के साथ साथ प्रोटामिन पाया जाता है हेड रीजन के अंदर। हेड रीजन में जैसा कि हमको पता है कि जो है स्पर्म है, तो स्पर्म का न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जायगोट के फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो अगला रीजन हम देखते हैं इसका नेक रीजन होता है, थोड़ा सा रीजन कनेक्टिंग पार्ट होता है स्पर्म का हेड से, जो है आप इसके मिडिल पीस को कनेक्ट करने वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नेक रीजन, यह नैरो होता है। साथ ही साथ यह कंटेन करता है प्रॉक्सिमल जो है एंड डिस्टल जो है आपका सेंट्रियोल पाए जाते हैं, इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बाद में यूज कर लिया जाता है फीमेल सेकेंडरी ओसाइट के द्वारा टू कंप्लीट इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्योंकि अरेस्टेड रहता है मेटाफेज स्टेज में, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए सेंट्रियोल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर जो है सेकेंड जो है सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, मतलब स्पर्म अगर सेकेंडरी ओसाइट से नहीं मिलता है तो कभी भी जो है सेकेंडरी ओसाइट जो है विल नॉट कन्वर्टेड इनटू द एग आर ओवम में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, मतलब उसका सेकेंड मियोसिस डिवीजन ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो ये सेकेंड जो है सेंट्रियोल की बात हो गई, यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल, डिस्टल सेंट्रियोल जो होते हैं उससे लगे होते हैं एक्सियल फिलामेंट्स प्रेजेंट बिहाइंड द सेंट्रियोल एक्सटेंड अप टू द मिडिल पीस एंड टेल में भी पाए जाते हैं। तो ये सेंट्रल पार्ट बनाता है, एक्सियल फिलामेंट उसका सेंट्रल पार्ट बनाता है जो इसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है, और इस जो है सेंट्रल पार्ट मिडिल पीस में जो एक्सियल फिलामेंट है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ द टेल रीजन ऑल्सो जो है ये क्या करता है इसका सेंट्रल पार्ट बनाता है, मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ मिडिल पीस के अंदर जो है क्या होता है स्पाइरल माइटोकांड्रिया होता है, स्पाइरल माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि पावर हाउस माना जाता है, विच इज जो है नोन एज द एनर्जी चैम्बर ऑफ द स्पर्म, जो पावर हाउस है जो इसको एनर्जी देता है, एंड कुछ अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द माइटोकांड्रिया जो होता है उसको मैनचिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द मिडिल पीस जो है अराउंड द स्पाइरल माइटोकांड्रिया इज नोन एज द मैनचिटी, जिसको मैनचिटी कहते हैं। तो यह माइटोकांड्रिया क्या करता है, ऊर्जा जो है प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू स्पर्म क्या करता है मूव करता है अपने टेल को, वाइब्रेटाइल मूवमेंट करके स्पर्म को मूवमेंट कराता है। तो लास्टली हम लोग आते हैं इसके टेल पार्ट पे, टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म होता है, यह स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल एज अ बेसल बॉडी जो है एंड प्रोड्यूस द एक्सोनिमा, इसमें प्रेजेंट डिस्टल सेंट्रियोल रिंग सेंट्रियोल भी होता है, तो ये बेसल बॉडी के रूप में होता है और इसमें इसको ये जो है मूवमेंट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में सबसे पहले गैलिया कैपेटिस होता है जो एक क्रोमोसोम के अंदर जो है बनाता है, जिसके अंदर जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म लाइसिन परफोरेशन के द्वारा यह खुलता है हेड रीजन में, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस कंडेंस्ड डीएनए कंटेनिंग एंड प्रोटीन में प्रोटामिन होता है दैट इज ऑल्सो जो है बेसिक अमीनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन बट नॉट हिस्टोन प्रोटीन। यह जो है इन द नेक रीजन द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एंड डिस्टल सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, जो डिस्टल सेंट्रियोल जो है कंटेन द एक्सियल फिलामेंट्स व्हिच इज सराउंडेड बाय द स्पाइरल माइटोकांड्रिया, स्पाइरल माइटोकांड्रिया के द्वारा सराउंडेड होता है, एक्सियल फिलामेंट सेंट्रल पार्ट बनाता है जो इसको जो है मूवमेंट करने में मदद करता है, और फिर टेल रीजन होता है। तो जो माइटोकांड्रिया स्पाइरल होता है वो क्या होता है पावर हाउस ऑफ द स्पर्म होता है। तो दिस इज होल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, मैमेलियन स्पर्म, बेसिकली ह्यूमन के स्पर्म के बारे में हम लोग आज चर्चा किए हैं। आप उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, आप इसे देखेंगे आपको समझ में आएगा, और ये इससे जो है तैयार प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन में आता है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने स्पर्म के बारे में डिस्कस किया, आगे क्लासेस में हम लोग जो है वो जेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, फीमेल में वो जेनेसिस ओवरी के अंदर जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी, दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।